हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रॉपर एजुकेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी लेवल और सेल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर, एनर्जी लेवल्स और सेल्स के वेरियस वेरियस बेस पे किसी भी एटम में, द एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे किसी भी एलिमेंट के एटम में मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूट होना किस पे, अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और जैसे हम आगे देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल। और जो हमारी सेल होती हैं वो होती हैं के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, ऐसे ही आगे आगे चलती जाती हैं। और ये सेल होती क्या है, देखिए हमने पिछले वीडियो में मतलब सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी ये हमारा एटम एलिमेंट है, ये एलिमेंट का एटम है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व करके रहते हैं। और इसी जो ये जो सेल्स होती हैं इन्हीं को कहते हैं सेल्स, यानी कि ये जो सर्कल हैं इसके न्यूक्लियस के अराउंड, इन्हीं को कहते हैं सेल और इसी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखते हैं कि हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले तो होगी, सबसे पहले होगी के सेल। के सेल में देखिए निकालने का तरीका होता है, देखिए टू इंटू जो जिस नंबर की सेल हो उसको उसका जो स्क्वायर निकाल दीजिए। जैसे कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो हमारे पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं के सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एल सेल हो गई, एल सेल में देखिए 2 इंटू दूसरी नंबर की सेल है तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 टू 8, 8 इलेक्ट्रॉन हमारी एल सेल में होते हैं। और एम सेल, एम सेल में होते हैं जैसे कि 2 इंटू 3, मैंने 3 का 3 नंबर की सेल है तो 3 का स्क्वायर 3 9, और 9 टू 18, 18 यानी कि 9 टू 18, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। अब देखिए एन सेल में, एन सेल में क्या होता है, देखिए 2 और 4 नंबर की इलेक्ट्रॉन सेल है तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 टू 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं एन सेल में। तो चलिए एक दो हम लोग एग्जांपल लेते हैं और उन्हीं से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने लिया Na सोडियम पहला, और हमने दूसरा ले लिया ऑक्सीजन, तीसरा ले लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन, चौथा ले लेते हैं हम लोग कार्बन, और पांचवा ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका एटॉमिक नंबर हम पहले देखते हैं 11 होता है, इसका होता है 8, इसका होता है 7, इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है और इसका होता है 17। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए हमने अभी पढ़ा था कितना होता है, 2 पहली सेल के लिए, 8 दूसरी सेल के लिए, तीसरे के लिए 18। ठीक है, हमारा इतने में ही काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम में कैसे करेंगे, पहली सेल में 2 एटॉमिक नंबर कितने, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो पहली सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, फिर बचे कितने, अब बचे हमारे पास 9, और 9 में देखिए 8 इसमें दे देंगे हम लोग, भर देंगे और इसमें आ जाएगा 1, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करते हैं। देखिए एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऑक्सीजन का करते हैं। देखिए ऑक्सीजन का, तो देखिए पहली सेल में 2, बचे कितने 6, लास्ट सेल में इसके होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन का करते हैं, देखिए नाइट्रोजन का हो गया पहली सेल में 2, लास्ट सेल में कितने बचे 5। अब हम क्लोरीन का करेंगे, और आप जो है जो कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, इसका जो है करके जो है कमेंट में लिखिएगा। देखिए क्लोरीन का, क्लोरीन का 17 होता है, पहली सेल में 2 कितने बचे 15, दूसरी सेल में 8 कितने बचे 7, और आखिरी सेल में 7। ये हो गया हमारा क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, और जो हमने पिछले चैप्टर में 20 एलिमेंट्स की वो टेबल देखी थी, आप उसका जो है उसके जो सारे उनके करके देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आप सीख भी जाएंगे। थैंक यू।